अगर आप पीछे रहोगे कुछ भी, अगर आप पंचर वंचर होते तो सामान तो मेरे पास है ना, तो मुझे लास्ट में रहना चाहिए, ठीक है ना? आप आगे निकलो। कल्पा में कल रात को इतना बारिश हुआ नहीं है और अभी वेदर एकदम क्लियर है, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे ताबो के लिए। उससे पहले यहाँ पे एक टेंपल है, उसको हम देखेंगे, उसके बाद जाएंगे। कल्पा में दो तीन जगह है, किन्नौर कैलाश, रोगी विलेज, ये जो टेंपल मैंने अभी आपको दिखाया है वैष्णो देवी टेंपल, एक दो जगह और है लेकिन वहाँ पे हमें ट्रैक करके जाना पड़ेगा, तो ट्रैक तो करने नहीं वाले हम। अभी हम यहाँ से सीधे निकलेंगे ताबो के लिए। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, कितना टाइम लगेगा ये तो पता नहीं, रोड्स की कंडीशन कैसी है ये हमें पता नहीं, लेकिन हमने फ़ोन करके ये पूछ लिया कि जो रास्ता है वो खुला हुआ है तो हम ताबो तक जा सकते हैं। वैसे रास्ता काजा तक खुला हुआ है, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो काजा तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो कल मोटे मोटे पत्थर गिरे थे उन्हें रोड से हटा दिया गया है, बस इतनी सी बात थी जो आपको बतानी थी। अब सीधे मिलता हूँ अपनी बाइक पर। हम निकल दिए ताबो के लिए, पहले पीयू में रुकेंगे, बाइक की चेन टाइट करानी है, पेट्रोल फ्यूल कराना है, बस यही दो छोटे मोटे काम हैं। अभी बाइक 773 किलोमीटर चल चुका है और आज का जो डिस्टेंस है कुछ 160 किलोमीटर का है। मेरे बाइक का चेन अभी सही है तो अभी की बाइक का चेन टाइट करा रहे हैं अभी हम। फुल कर दो सर। आज क्या हुआ? वेट करना पड़ेगा। नई खबर बताओ क्या है? आप सुनाओ। हाँ बताओ, किस वजह से ये रास्ता रोका गया है? न्यूज़ चैनल में आया नहीं है, लास्ट टाइम लगा हुआ है 11:30 बजे, रिपोर्टर बताया नहीं कि पत्थर गिरा है। क्या सीन है भाई जी? मैं रुका हुआ है, काम चला हूँ। बताओ भैया कितने देर वेट करना होगा? अगर आप पीछे रहोगे कुछ भी, अगर आप पंचर वंचर होते तो सामान तो मेरे पास है ना, तो मुझे लास्ट में रहना चाहिए, ठीक है ना? आप आगे निकलो। अभी मेरे साथ दो चीजें हो रही है, अच्छा लग रहा है वो पहाड़ देख के, डर लग रहा है ये रोड देख के। ऐसे जगह पे बाइक को बहुत संभल के चलाना है, हवा इतना तेज चल रहा है कि बाइक दो तीन बार ऐसे लहरने लग गई थी। अभी हम हैं पू में और यहाँ से जो नाको का डिस्टेंस है वो है 35 किलोमीटर का। शाम के 3 बज चुके हैं, हमारा जो प्लान था ताबो पहुँचने का धीमे धीमे वो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नाको में रुकेंगे, क्योंकि नाको में एक दो जगह है देखने के लिए, वो हम टाइमली पहुँच के वो जगह देखेंगे और कल निकलेंगे हम ताबो के लिए। तो चलो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक है, क्योंकि सामने ट्रैक है, वो जब निकलेगा तभी हम आगे जा पाएंगे। इस रास्ते पे रोड बन रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, पर बहुत ही खतरनाक लग रहा है अभी जो भी। तो ऑल्टो को निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ।
लैंडस्लाइड की वजह से हमें काफ़ी बाहर रुकना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ का रास्ता क्लियर होगा, उसके बाद आगे हम निकलेंगे। तो नाको कितनी देर में पहुँचेंगे हमें ही नहीं पता चल रहा है। जो भी हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं ना, वो सारे प्लान सक्सीड ही नहीं हो पाए। ताबो तो पता नहीं कब पहुँचना होगा। कल भी हम ताबो के लिए निकले थे, आज भी हम ताबो के लिए निकले थे, लेकिन ना कल पहुँच पाए ना आज पहुँच पाए। हवा यहाँ पे काफ़ी तेज़ चल रही है, जन्नत जैसा फील हो रहा है, कुछ अलग ही नज़ारा है। अभी हमें नाको में स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एयरटेल का कोई भी नेटवर्क नहीं है, जियो का नेटवर्क है, वो तभी आता है जब लाइट आती है, तो अभी बड़ी दिक्कत होने वाली है। इंस्टाग्राम स्टोरी मैंने बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया। नाको में, नाको में क्या क्या है देखने के लिए? नाको में हमारा एक तो लेक है, ये नेचुरल लेक करोड़ों वर्षों का बना हुआ। दूसरा यहाँ मोनेस्ट्री है, 1600-1700 पुराना, पांडवों के ज़माने का ही। हमारा भी वो एक बुद्धिस्ट का पांडवों ने एक रात में किया किया। और हमारे देवता ने 18 किलोमीटर से उसी रात को पानी पहुंचा दिया यहाँ तलवार की धार से। ये देखने का है, एक ऊपर घंटा है, वहाँ से नाको मन पूरा सीन अच्छा दिखाई देता है। फिर दूसरा मेरा गेस्ट हाउस है, बहुत शानदार है। इसलिए तो आए हैं आपके पास, इसलिए हम रेट सस्ता है, खाना पीना सस्ता है, ठीक है सर। और साथ में गाइड भी फ्री है, गाइड भी फ्री है, हम गाइड भी करते हैं। थैंक यू भैया, सुबह आपको पूरा घुमाएंगे सब जगह। अच्छा, वो मेरा जिम्मा है, ठीक है, थैंक यू। आज की राइड में मज़ा आ गया, बीच बीच में जो पैचेस थे ऑफ रोडिंग वाले, उसमें बाइक चला के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बाकी जगह तो रोड था, तो बाइक अच्छे से 46 की स्पीड में चल रही थी। अभी तो फिलहाल नाको में स्नोफॉल हो रहा है और थोड़ी देर में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। बाकी बातें मैं आपसे कल करूँगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरे वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल जाए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर।